तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि OLX से बाइक परचेज करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, OLX से रिलेटेड, कि OLX में क्या क्या फ्रॉड होता है। तो उस वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। तो आज के वीडियो में आपको बताऊँगा 6 ऐसे पॉइंट्स अगर आप OLX से बाइक परचेज करते हैं तो, या फिर अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो इन बातों को फॉलो अगर करेंगे तो आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको हमेशा एक अच्छा बाइक परचेज करने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों, आज देख लेते हैं कि 6 ऐसा पॉइंट्स क्या है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, बाइक परचेज करने के लिए पहला जो हमारा टिप्स है वो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जेन्युइन पर्सन है कि नहीं, वो बाइक बेचने में इंटरेस्ट है कि नहीं उसका, वो आपको चेक करना है। तो वो आप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए मान लीजिए आप OLX एप्लीकेशन में गए, ठीक है, आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको बाइक कौन सा परचेस करना है, पैशन प्रो, जो भी आपको बाइक आप परचेस करना चाहते हैं वो बाइक आपको डिसाइड कर लीजिए। और उससे रिलेटेड जितना भी बाइक है, मान लीजिए कि 10 लोग वो ब्रांड का जो है बाइक परचेस कर रहे हैं, सेल करना चाहते हैं और आपको खरीदने का मन कर गया, ठीक है, तो आपको मैसेज करें। सबसे पहले ये जरूर देखें कि आप जो बाइक परचेस करना चाहते हैं वो कौन से ईयर का है, 2009 का है, 8 का है। अभी मान लीजिए 2022 चल रहा है, कोई आपको बाइक दे रहा है 2009 का दे रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। मतलब क्या, बाइक आपका कबाड़ी के भाव में बिकने वाला रेट हो जाएगा। तो आपको देखना है कि भाई 2018 का बाइक मिल जाए। उसके बाद जब आप देख लेते हैं, उसका आपको ध्यान देना है उसमें क्या कि उसका डॉक्यूमेंट प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है, मेंशन किया होता है कि है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है, आपको मैसेज करना है जो सेल कर रहे हैं बाइक। एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं दोस्तों कि बाइक उनको सेल नहीं करना, वो मजे मजे के लिए क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो जब आप उसमें मैसेज में चैट करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इनको सेल करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन होता है फेवरेट करने का, उसमें कर देना। उसके बाद उसमें बात कर सकते हो कि भाई, आपको बाइक जो बेच रहे हैं वो क्यों बेच रहे हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए कोई बाइक है जिसका रेट, मान लीजिए पुराना का रेट भी 50,000 रुपया, लेकिन कोई बेच रहा 15,000 में, तो आप उससे सवाल जरूर करना, भैया ये आप 15,000 में बाइक क्यों बेच रहे हैं। अब हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो, किसी का माँ का तबीयत खराब हो, किसी का मतलब शादी करना हो, बहुत सारा रीजन हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो रीजन बताते हैं कि भैया ये रीजन है, फिर मैं बाइक फेल कर रहा हूँ, तो उसके बाद आप चैट करिए, बात करिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए भैया कि हमको किस दिन आपसे मिलने आए, आपका घर का लोकेशन, अपना एड्रेस जो है व्हाट्सअप अपना दे दीजिए। उसके बाद इससे पहले आपको कोई भी डॉक्यूमेंट उनको फेयर नहीं करना, अपना खुद का कुछ कोई डॉक्यूमेंट, चाहे वो आधार कार्ड हो या कुछ भी नहीं करना है। आप एक टाइम फिक्स कर लो कि भैया मैं संडे का आ रहा हूँ या मंडे का आ रहा हूँ, जब वो बोले कि हाँ भैया आ जाओ कौन से टाइम में, वो फिक्स करने के बाद उनके पास जाओ, ठीक है। अगला जो जाने के बाद जो है अगला टिप्स को आपको फॉलो करना। दूसरा जो टिप आपको फॉलो करना है कि बाइक परचेस करने से पहले, कि बाइक जब आप देखें तो बाइक देखने के बाद क्या करना है, आपको बाइक का प्रॉपर डॉक्यूमेंट से मांगना है, जिस जो आपको बाइक सेल कर रहा है, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसा होता है कि जो आपको बाइक और डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना चाहेंगे कि भैया नहीं, हम नहीं देंगे, पहले पैसा आप दीजिए तब हम देंगे। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी आपको बाइक परचेस नहीं करना है, वहाँ पे चले आना कि ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। आप बाइक का फोटो क्लिक कर सकते हो, उसके बाद डॉक्यूमेंट मांग सकते हो भैया कि ऑनलाइन दीजिए, हम डॉक्यूमेंट चेक करवाएंगे। तो आप जैसे मान लीजिए कोई अगर आपको डॉक्यूमेंट्स आपको दे देता है, तो आपको डॉक्यूमेंट को क्या करना है, RTO में जाकर चेक करवाना है। क्या चेक करवाना है कि भैया इस बाइक के ऊपर पहले से कोई फाइन वाइन तो नहीं है, जिससे क्या होता है बहुत जगह मान लिया बाइक लेकर गए, उसके कहता है आपको फाइन कर दिया गया, तो ऑनलाइन जो फाइन होता है वो आपके गाड़ी के नाम पे पहले से ही वो दिया हो रहा था। मान लीजिए आप बाइक खरीद रहे हो 20,000 रुपया में, आप पहले से 15,000 का फाइन पड़ा हुआ है, तो मान लो कभी भी पुलिस आपको पकड़ लेती है तो वो फाइन आपको पे करना होगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है हमेशा भी। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि आपका बाइक जो है उसका इंश्योरेंस पेपर ओके है या नहीं है। और एक बात का आपको और ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर आप जो बाइक परचेस कर रहे हैं तो क्या वो लोन अमाउंट पे खरीदा गया था या हार्ड कैश में खरीदा गया था, ठीक है। अगर लोन अमाउंट पे परचेस किया गया था तो आपको एक NOC पेपर मिलता है जब आपका लोन कंप्लीट हो जाता है तब। अगर वो NOC पेपर नहीं रहेगा तो जब भी आप अपना गाड़ी का नाम जो ट्रांसफ़र करोगे ना, तो आपका नाम जो है ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होगा, तो बाद में जाकर आपको बाइक खरीदना आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, मान लीजिए आपका दूसरा जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट सारा कुछ चेक कर लेना है, वेरिफिकेशन कर लेना है, ठीक है। तो जब वेरिफिकेशन सारा कुछ हो जाएगा, आपको लगे कि हाँ ओके है, तो आपको तीसरा जो काम करना है दोस्तों, वो क्या करना है, आपको बाइक का टेस्ट ड्राइविंग जरूर लें कि बाइक चलने में कैसा है,
क्योंकि देखिए हम लोग भी एक बाइक परचेस करने गए थे, ठीक है, बाइक ऊपर से देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था भाई, देख के मतलब पसंद आ गया कि हाँ 20,000 में 30,000 में अच्छा बाइक दे रहा, लेकिन जब हम लोग बाइक चला कर देखें तो पता चला फक अभी गियर काम नहीं कर रहा, क्लच अच्छा काम नहीं कर रहा, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा था इंजन, मतलब समझ लो ऑलमोस्ट अगर लेने के बाद एक से दो महीने में हमारा इंजन उतर जाएगा। तो भाई अगर इंजन उतर जाएगा तो फिर बाइक लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक बाइक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका इंजन, ठीक है, अदरवाइज अगर इंजन ही प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो लेके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बाइक को अगर बाइक का आपको अच्छा नॉलेज है तो आप खुद देखकर आपको पता चल जाएगा कि बाइक में क्या प्रॉब्लम है। साथ ही साथ जब भी आप बाइक परचेस कर रहे हैं तो दो तीन चीज़ आप जरूर ध्यान देना कि बाइक का जो टायर है वो सही है या नहीं है, ठीक है। मान लो आप एक बाइक परचेस कर रहे हो 20,000 रुपये में, आपको ये देखना है कि मान लो आपको बजट है 30,000 का, बाइक लेना है 20,000 में आप बाइक परचेस कर रहे हो, तो आपको बाइक के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, टायर बनाने में कितना खर्चा होगा आपको, मान लीजिए फर्स्ट टाइम अगर लोगे तो उसको वॉश करवाना है, मोबिल ग्रीफिंग वगैरह कराना है आपको उसमें, मतलब कि जो भी खर्चा लगेगा ना वो काउंटेबल कर लेना है कि हाँ इतना खर्चा लगेगा, 20,000 का मेरा बाइक है, 10,000 मेरा खर्चा होगा, 30,000 का मेरा बाइक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है बाइक के बारे में कि भाई बाइक सही है नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी मैकेनिक के शॉप में जाओ, वहाँ पर उनको दिखाओ कि भैया मैं बाइक खरीदने वाले हैं, 20,000 का बाइक है, ठीक है, तो इसको हम वर्क कराएंगे, इसको काम करवाते हैं, तो क्या कितना में ये बन जाएगा, तो वो जो मैकेनिक है वो आपको पूरा अच्छा तरीके से गाइड कर देंगे, क्योंकि देखो वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि भाई कोई भी आदमी फ्रॉड में फंसे और खराब सामान उसको मिल जाए, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है जिससे आपको एक अच्छा बाइक मिलने में हेल्प मिलेगा। दोस्तों हमारा आता है चौथा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, इस चीज में आपको जोर ध्यान देना है। अगला है, मान लीजिए आपने बाइक देख लिया, बाइक भी अच्छा रहा, मैकेनिक भी आपको बोल दिया भाई बाइक बहुत अच्छा है, बाइक परचेस कर सकते हो, तो उसके बाद आता है पेमेंट मेथड का, कि आप पेमेंट कैसे करोगे। देखो क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, अकेले में जाते हैं, अकेले में मतलब पेमेंट करते हैं, चले आते हैं, तो कोई प्रूफ नहीं होता है। तो जब भी आप बाइक परचेस करें तो 29-30 फॉर्म एक आता है, उसमें जरूर सिग्नेचर करवा लें। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, एक बॉन्ड पेपर, व्हाइट पेपर में आप लिख दें, उनसे भी लिख लें और आप भी लिख दें कि हाँ ये बाइक को मैंने इतना हज़ार में परचेस किया है, 30,000 या 40,000 में परचेस किया है, टाइम ये है, डेट ये है, इसे लिखवा लें, और उसमें एक रेन्यू टिकट आता है वो चिपका के उसमें सिग्नेचर करा लें, जिससे आप बाइक परचेस कर रहे हैं उनका भी और अपना भी, जिससे क्या होगा आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ आपने बाइक परचेस करा है, इनसे परचेस करा है, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होने में जैसा टाइम लगता है, एक से दो महीने का टाइम लगता है, तो इसके बीच में वो अगला बंदा फ्रॉड ना कर दे आपके साथ में, ठीक है। साथ ही साथ जब भी आप बाइक परचेस करते हैं दोस्तों, तो आपको पेमेंट कैसे लेना, मान लो आपने 50,000 का बाइक खरीदा, तो पेमेंट करने का जो आपका मेथड होगा, आपको 20,000 से 25,000 रुपये जो है आपको कैश पेमेंट करना है, और 20,000 से 25,000 जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है फोनपे के थ्रू, या फिर आप क्या करते हैं बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फोनपे में जब भी आप ट्रांसफर करेंगे तो बोलिएगा भैया अपना बैंक का डिटेल्स दे दीजिए मेरे को, मैं आपको 25,000 आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। उससे क्या होगा दोस्तों, आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि भैया देखिए मैंने ऑनलाइन भी पेमेंट आपको करा है, क्योंकि आपने अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें देखा आपको दिखाया भी था कि जब मैं बाइक परचेस किया था मैंने ऑनलाइन भी ट्रांसफर किया था और ऑफलाइन भी किया था। अब साथ ही साथ दोस्तों आप जब भी बाइक परचेस करते हैं ना, तो आपको एक वीडियो बनाना जरूर, मतलब फोन ले लीजिए, नॉर्मली फोन ले लीजिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रो लेवल का आपको आना चाहिए, एक फोन ले लीजिए, आप पेमेंट कर दिए अपने दोस्त को करवा दीजिए, आप बोलिए भैया कि मैंने आपको पेमेंट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको पेमेंट हो गया, ये डेट है, ये डेट है, ठीक है। तो अगर आप ये करके बना कर रखे होगा ना, तो आपको हमेशा हेल्प मिलेगा। एक्चुअली मेरा आपको एक छोटा स्टोरी बताता हूँ, मैंने एक बाइक परचेस करा था, उसमें क्या हुआ कि मैंने सारा कुछ ले लिया और डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने में मेरे को कम से कम एक मंथ लगने वाला था, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि भैया जल्दी ट्रांसफर करवा लीजिए, डॉक्यूमेंट जल्दी ट्रांसफर करवा लीजिए। भैया बोले, मैंने बोला कि भैया इतना जल्दी मैं ट्रांसफर कैसे करवाऊंगा, तो बोला अगर हमें थाना में चला जाऊंगा तो आपको पता है क्या होगा, थाना में चले जाएंगे तो गाड़ी हम जब्त कर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों जब तक आपको गाड़ी आपके नाम पर ना हो, तो अगर मान लीजिए जो फेल कर रहा है आपको बाइक, वो चाहे अगर थाना में जाकर कंप्लेन कर देता है कि भैया मैंने बाइक, मेरा बाइक चोरी हो गया है, अगर गलती से बाइक आपके पास मिल गया तो वो आपका बाइक तो जाएगा जाएगा, आप पे केस भी हो जाएगा। तो अगर आपके पास वीडियो प्रूफ रहता है ना दोस्तों, तो कोई भी आपको ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो ओनर जो बाइक फेल कर रहा है वो तो खुद बोल रहा है कि हाँ बाइक मैंने फेल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो जब मेरे को उसने ब्लेम किया था कि भैया हम केस कर देंगे, हमने जा कर दे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई मेरे पास वीडियो प्रूफ है, तो बाद में बोलता अरे भैया मैं तो मजाक कर रहे थे। तो हमेशा आपको अपने आपको जो है मजबूत बनाकर रखना है, और क्या है कि फ्रॉड से बचना है दोस्तों। जो अगला और आखिरी जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, वो क्या है, जब भी आप बाइक परचेस करें ओएलएक्स से, तो आपको एक बात का ध्यान देना है कि कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको नहीं करना है। अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करना मतलब क्या, ओएलएक्स में बहुत सारा फ्रॉड होता है कि भैया आपको अगर बाइक लेना है, मान लो 50,000 का बाइक है, कोई बोल दिया भैया हम 10,000 में बेच रहे, मेरे माँ का तबियत बहुत ज़्यादा खराब, भैया आप प्लीज खरीद लीजिए, तो आप सोचिए अरे भाई 10,000 में को बाइक मिल रहा है, चलो चलो हम खरीद लेते हैं। देखो बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है,
और जिसको नॉलेज नहीं होता उसको आदमी लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं उनके पास में। तो क्या बोलेंगे, भैया मेरा तो आर्मी में जॉब है, मेरा तो डिफेंस में जॉब है, या तो हम तो BFL में गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मेरा पोस्टिंग हो गया इस जगह से उस जगह, तो हम बाइक फेल कर रहे भैया अर्जेंट है, एक काम कीजिए आप 10,000 रुपया मेरा फोन पे कर दीजिए, हम बाइक आपको घर तक पहुंचवा देते हैं। तो कभी भी ऐसा पेमेंट आप लोग बिल्कुल भी मत करना। अगर आप लोग ऐसा पेमेंट करोगे तो आपके पास हमेशा फ्रॉड ही होगा और आपको ना बाइक मिलेगा, आपका पैसा नुकसान में जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बहुत लोग बोले कि भैया आपने जो बताया जिस तरीके से बताया उस तरीके से मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। तो आप भी अगर बाइक परचेस करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दें, अगर इस तरीके से जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया अगर ध्यान देंगे तो आपके साथ कभी भी कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा और आपको हमेशा एक अच्छा ही बाइक परचेस करने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को जरूर शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। चलो दोस्तों, इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।